हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो। और आपको पता है मैं कहाँ खड़ी हूँ? ऑफ कोर्स पता होगा क्योंकि आपने इसका पिक्चर तो ज़रूर देखा होगा। मैं हूँ इटली के शहर पिज़ा में और ये है लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। तो इस वीडियो में अगर आप इटली का प्लान कर रहे हैं और ये लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा देखना चाहते हैं, जो कि ऑफ कोर्स देखना चाहते होंगे, तो फिर इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आप ये ब्यूटिफुल सा टावर जो कि झुका हुआ है देख सके। सो नाउ लेट्स गो। पिज़ा इटली की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्टिक सिटी है क्योंकि यहाँ पर फेमस लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा है। अगर आप फ्लोरेंस आते हैं तो फ्लोरेंस से पिज़ा ट्रैवल करना बहुत ही आसान है क्योंकि वो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के डिस्टेंस पर है। तो व्हाई नॉट चेक आउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क इन द वर्ल्ड, पिज़ा, ऑन योर इटली ट्रिप। यहाँ पर आने के लिए यू डू नॉट नीड टू बुक एनी काइंड ऑफ टूर। It's very easy to travel from Florence to Pisa. This video will help you to plan your perfect budget day trip to Pisa. So the first thing that you should know is how to get to Pisa from Florence. Florence se Pisa ke liye direct train chalti hai from Santa Maria Novella station. Hamara apartment station se kafi close tha, to hum walk karke hi Centrale station pahunch gaye. ट्रेन्स ऑलमोस्ट हर एक घंटे में चलती है एंड कभी कभी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा भी होती है। अगर आप रीजनल ट्रेन से आते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स लगेगा और टिकट का प्राइस होगा 9 यूरोस। अगर आप हाई स्पीड ट्रेन से आते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। हाँ, टिकट का प्राइस ज़्यादा होगा। इटली की ट्रेन्स के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है तो आप वो जरूर देखिए टू नो मोर अबाउट इटालियन ट्रेन्स। अगर पिज़ा अपने सूटकेस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो पिज़ा के सेंट्रल स्टेशन पर लॉकर्स हैं तो आप अपने सूटकेस को वहाँ रख सकते हैं। लुक फॉर द साइन एट द ट्रेन स्टेशन दैट रीड्स डिपॉजिटो बाग्याली। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत है बट मैंने लिख दिया है, तो इस साइन को आप फॉलो करिए। अब आप पिज़ा के सेंट्रल स्टेशन पहुंच चुके हैं और आपने बैग भी डिपॉजिट कर दिया है, तो अब क्वेश्चन आता है कि आप लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस या टैक्सी या वॉक करके भी पहुंच सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप बस जो हर 7 या 15 मिनट्स में चलती है फ्रॉम पिज़ा सेंट्रल टू पिज़ा दे मिराकोली ले सकते हैं। इस बस से आप अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। टिकट का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 2 यूरोस का वन वे का होगा। टिकट आप बस में ही या फिर बस के पास न्यू स्टैंड से ले सकते हैं। टैक्सी से आप और भी जल्दी पहुँच सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 यूरोस लगेंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वॉक करके ही चले जाएंगे बिकॉज इट्स गुड फॉर एक्सरसाइज एंड इट वॉज फ्री एज वेल, और हमको लगे अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। मेरे पीछे आप वो जो देख रहे हैं बिल्कुल उधर ट्रीज के पीछे, वो है स्टेशन। और स्टेशन से आप पिज़्ज़ा देखने के लिए वॉक कर भी आ सकते हैं। गूगल मैप को यूज़ करिए, 20 मिनट्स में आ जाएंगे। और जब वॉक करेंगे ना तो ये एक ब्यूटिफुल सा स्क्वायर आएगा जहाँ पे ये बड़ा सा स्टैचू है विक्टोरियो इमैनुएल है, इस पर लिखा हुआ है, और ब्यूटीफुल सा स्क्वायर है। कुछ आसपास रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ से आप वॉक करते रहिए और पहुँच जाएंगे। स्ट्रेट वॉक नहीं है, थोड़ा सा टर्न है, आर्नो रिवर भी आती है बीच में। तो अब चलते हैं और देखते हैं पिज़्ज़ा को। हम वॉक करके जा रहे हैं तो चलते हैं। तो वो है विक्टोरिया इमैनुएल का स्क्वायर और यहाँ से स्ट्रेट आएंगे तो ये आएगा एक अच्छा सा शॉपिंग लेन। अभी मॉर्निंग है इसलिए फुल खाली है। जब हम कल घूम रहे थे ना पूरा भरा हुआ था और अच्छे अच्छे शॉप्स हैं। तो पहले पिज़्ज़ा देखिए, फिर यहाँ शॉपिंग करिए, और आइसक्रीम कहाँ खा सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए।
majority of the things to see in Pisa are centrally located, including Leaning Tower of Pisa, Pisa Cathedral, Pisa Baptistery, and many other things. Leaning Tower of Pisa एक bell tower है, जिसका construction 1173 में start हुआ था, and almost 200 years बाद, approximately 1372 में ये complete हुआ. City of Pisa marshy soil पर है, and इसलिए tower is leaned as its foundation is sinking on one side. Engineers ने काफी years तक इसे ठीक करने की कोशिश की है, but nothing much worked. In 2001, engineers at least managed to stabilize it, and it will remain like this at least for next 200 years. So, is Leaning Tower of Pisa? Let's push it back, Saurav. Is it coming? Am I able to push it back now? 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 Perfect. हुआ क्या सीधा? सीधा हुआ क्या? सीधा हुआ? नहीं हो रहा है ना? I'm trying my best. I'm trying to push. ये सीधा आखिर हो ही नहीं पा रहा है, ये सीधा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि जो इसका नीचे का ग्राउंड है ना, वो इतना स्ट्रांग ही नहीं है. तो जो सॉइल है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो इस कारण ऐसा टेढ़ा है. वैसे आपको पता है कितने डिग्रीज पे है? अभी कुछ सालों पहले तक तो 5.5 डिग्रीज से आ गया था, अभी इसको थोड़ा रिस्टोरेशन करके वापस 4 डिग्री पे उसे कर दिया है. बट क्या ये लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा गिर सकता है? हाँ, गिर तो सकता है, ऐसा लोगों का कहना है. बट अभी तो खड़ा है, और शायद 200 साल तक और ऐसा खड़ा रहे. अब बात करते हैं कि आपको ये कंपाउंड घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए. तो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा तो आप देख ही रहे हैं, और देखिए साफ दिखता है इस बिल्डिंग से, क्योंकि वो सही में टिल्टेड है. वैसे ये है एक कैथीड्रल, और ये है एक दूसरा मॉन्यूमेंट, जहाँ इसको भी अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये भी टिल्टेड है, और फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि यहाँ का सॉइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड ही नहीं हो पा रहा था, तो ये भी अराउंड 0.5 डिग्री से थोड़ा टिल्टेड ही है. बट ये सारी मॉन्यूमेंट्स आप देख सकते हैं. बाकी तो अगर बाहर से देखना है तो एवरीथिंग इज़ फ्री, बट अगर आप टावर के ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके अलग से आपको पैसे देने पड़ेंगे. अगर आप ये सारे मॉन्यूमेंट्स अलग देखना चाहते हैं तो फिर इसके आपके अलग से पैसे लगेंगे. जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना, तो मैं इन सारे मॉन्यूमेंट्स के अंदर भी गई थी. ऑफकोर्स मेरा टिप यही होगा कि टावर के ऊपर जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि ये रिस्की फैक्टर है, बट इसलिए क्योंकि जो उसको आप बाहर से देख सकते हैं ना, वो अंदर से देखने में कुछ समझ ही नहीं आएगा. हाँ, अंदर से ऑफकोर्स आप पिज़ा टाउन का टॉप व्यू देख सकते हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो येस. बाकी इन सब का जो टिकट लगेगा उसके लिए, ये बिलेटेरिया टिकट सेंटर है, विच इज़ बेसिकली टिकट का सेंटर. यहाँ से आप इन सारे मॉन्यूमेंट्स को का टिकट ले सकते हैं. तो हम आए थे बिल्कुल मॉर्निंग में ना, तब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी. अभी तो आप देखिए सब तरफ ना ऐसा भीड़ होता जा रहा है, और फन बात है कि सबको देखते रहना कि कैसे कैसे पोजेस दे रहे हैं सब लोग. इतना आप आराम से ऐसे बैठिए जैसे मैं बैठ गई हूँ, और फिर पीपल को ऑब्जर्व करिए, एंड दैट इज़ सो मच फन हियर. आप ना आवर्स स्पेंड कर सकते हैं, और मैं आर्ट्स की बात कर रही थी तो हाँ, जैसे मैं बताई थी, अगर आपको सब चीज़ें घूमना है तो पूरा दिन लग सकता है, बट अगर बाहर से ही चीज़ों को देखना है तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो आप ना, आपके लिए 2 घंटा काफ़ी है. अगर आप फ्लोरेंस से पिज़्ज़ा आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल बी हंग्री बाय लंच टाइम. पिज़्ज़ा में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इवन फॉर वेजिटेरियंस एंड वीगन्स. इनफैक्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो अगर आपको इंडियन खाना खाने का मन है तो वो भी पॉसिबल है. इटली में फेमस है ऑफकोर्स जिलातो, और पिज़्ज़ा में आए हैं तो जिलातो तो खाएंगे. कहाँ से खाने वाले हैं आपको बताते हैं. तो अगर आप पिज़्ज़ा में आए तो यहाँ से जिलातो ज़रूर खाएंगे. लेट्स गो. आइसक्रीम तो मैंने खा ली, उसके बाद मुझे याद आया कि वीडियो तो मैंने बनाया नहीं, तो वीडियो अभी बताती हूँ. कहाँ से खाई आइसक्रीम? आइसक्रीम यहाँ से खाई, जिलेटेरिया लिखा है, और शॉप नंबर 149 है, और आर्टिजियानाले होममेड. तो बिल्कुल ना, यहाँ सामने पिज़्ज़ा है और उससे थोड़ा ही आगे 149 का शॉप है. और अच्छी आइसक्रीम कैसे पता चलती है, आराम से बैठ के बताती हूँ. तो अच्छी आइसक्रीम ऐसे पता चलती है कि अगर स्टील के डिब्बे में हो तो अच्छी है, और उसे फ्लफ़ी नहीं होनी चाहिए ऐसे, और कलर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर वो स्टील का डिब्बा लिड से बंद हो ना तो सबसे बेस्ट आइसक्रीम होती है. तो यही टिप है. तो आप आएँ तो यहाँ से खा लें, या कहीं पे भी जहाँ पे स्टील के डिब्बे में लिड से बंद हो वहाँ से आइसक्रीम खाएं. वैसे तो आप पिज़्ज़ा को इन अ डे या हाफ अ डे में कवर कर सकते हैं,
बट अगर आपको वन नाइट स्पेंड करना ही है बिकॉज यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस सिटी एट अ स्लोअर पेस व्हेन डे ट्रिपर्स आर गॉन, या फिर आपकी फ्लाइट पिज़्ज़ा से ही हो अगले दिन के लिए, तो आप पिज़्ज़ा में रुक भी सकते हैं। पिज़्ज़ा में हर बजट के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, या फिर आप रुक सकते हैं जिस अपार्टमेंट में हम लोग रुके थे। उस अपार्टमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये पिज़्ज़ा का ट्रैवल गाइड? सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। अगर आप ऑलरेडी पिज़्ज़ा आ चुके हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ये भी हो सकती है, तो डेफिनेटली हाँ बताइएगा, क्योंकि इस ट्रैवल कम्युनिटी को जो हमारा वीडियोज़ देखते हैं उन सबको इस हेल्प मिल जाएगा। और ये देखिए एक बार और बैठे हुए हम लोग, काफी क्राउड हो गया है, सिर्फ 9:30 भी नहीं हुआ है अभी 9:30 भी नहीं हुआ है, 9:10 हुआ है, 9:15 हुआ है, और पूरा क्राउड हो गया है। तो अगर आप आना चाहते हैं और अकेले में पिक्चर खिंचाना चाहते हैं पूरा टाइम लेके, तो सुबह सुबह ना 7:00 पे आ जाइएगा। हम थोड़ा लेट आए थे, 7:45 तक आ पाए थे। आप और जल्दी आएंगे ना तो और टाइम मिलेगा आपको, आराम से पिक्चर खिंचाइए, जितना पोज देना है उतना पोज दीजिए, और ऑफकोर्स दीजिए, शर्माने का कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग पोज दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग डे ट्रिप करते हैं, तो आप अगर दिन में भी आएंगे और भीड़ भी होगा, स्टिल यू विल फाइंड योर प्लेस, क्योंकि काफ़ी बड़ा कैंपस है, ग्राउंड है, और आप जितना पास जाएंगे जितना दूर जाएंगे उतनी अलग अलग टाइप की फोटोज आएंगे। सो नो वरीज, आप अगर देर भी आते हैं और भीड़ भी मिलती है, सो इट्स ऑल गुड। तो सौरभ, विल यू रिकमेंड पिज़्ज़ा? यस, आई तो लाइक द पिज़्ज़ा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इतना खास नहीं है। एक्चुअली जितना कैमरे में ट्रिप दिख रहा है उसे कहीं ज़्यादा दिखता है इन पर्सन। मेरे को जब मैं कैमरे में देख रहा हूँ शूट करते वक्त, तो मुझे कम दिख रहा है वो टिल्ट, और इन रियलिटी मुझे और ज़्यादा दिख रहा है वो टिल्ट होते हुए। बट यस, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप ऑफकोर्स आप इटली सिर्फ पिज़्ज़ा के लिए नहीं आएंगे, तो आप इटली घूम रहे हैं तो आप ज़रूर इसको कवर कर सकते हैं। एंड एज मेगा टोल्ड, इट विल टेक यू ओनली फ्यू आवर्स टू सी दिस ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड। यस, तो अब करते हैं इस वीडियो को यही एंड इस टिल्टेड पिज़्ज़ा से, जिसका फाउंडेशन सही नहीं है, बट डू गिव अस अ लाइक। एंड हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल है देसी कपल ऑन द गो, और फेसबुक का है शेड्स ऑफ मैक्स। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय फ्रॉम द स्टार। क्या मैं ऐसा क्राउन जैसा फोटो, ऐसा क्राउन जैसा लग रहा है ना, देखो सी माय क्राउन, या मैं इसे ऐसे आइसक्रीम जैसा खा लूं, कप लगा के कोल लेके आते हैं। या पीपल आर गिविंग सो सो वियर्ड पोजेस, बट इट्स ऑल फन टू वॉच। बाय।